इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D में। ये है कुछ रेयर बाइक जो कि हमसे छुपाकर इस सिटी के अलग अलग लोकेशन पर रखी गई है, तो हमें इन्हीं सारी बाइक्स को अलग अलग लोकेशन पर जाकर ढूंढना होगा, और अगर हमें ये मिल जाती है तो हम इन्हें चला भी पाएंगे। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है कुछ रेयर बाइक्स को ढूंढने वाले हैं जो कि आप सभी को पता है इस सिटी के अंदर छुपाई गई है। लेकिन गाइज, ये जो चैलेंज है ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड चैलेंज होने वाला है, कोई नॉर्मल चैलेंज ये नहीं है, क्योंकि गाइज हमें जो है इनकी लोकेशन नहीं पता है और हमें जो है सिर्फ जेटपैक और इस फॉर्च्यूनर का ही हम लोग इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, बाकी इसके अलावा हम कोई भी कार का यूज़ नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट चैलेंज होने वाला है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं हमारी पहली बाइक कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाइज, ये जो बाइक है ये शायद से RS है पल्सर, जो कि हमारे न्यू अपडेट के अंदर आई है, और इसका लोकेशन आपको पता चलेगा कि गाइज यहाँ पर जो है ये एक रैम के ऊपर और पीछे में कार का शोरूम हमें दिख रहा है। तो गाइज ये तो लोकेशन मुझे पता है, अभी चलिए फटाफट से हम लोग जो है इस लोकेशन पर चलते हैं और मैं हमारी जो फॉर्च्यूनर कार है इसे अभी ले लेता हूँ। और आप बाय द वे आप लोग को फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नीचे कमेंट में मुझे बताना है कि आप लोगों की सबसे फेवरेट बाइक इस गेम के अंदर कौन सी है। तो मैं अभी फटाफट से जो है उस रैम की तरफ चला जाता हूँ। यही वो रूट है जो हमारे मेगा रैम की तरफ जाता है, और यहाँ से आपको सिर्फ सिंपली से स्ट्रेट जाना है, और वहाँ पर आप गाइज ऊपर देख सकते हो वो रैम जो है आ चुका है। तो अभी मैं फटाफट से हमारी फॉर्च्यूनर को जो है उस रैम तक लेके जाता हूँ, और हमारी ये कार तो जो इसके ऊपर नहीं जा पाएंगी, तो हमें वहाँ पर जो हमारा जेट पैक है उसका यूज़ करना होगा जो कि हमें पहले गेम में दिया गया था। तो अभी मैं फटाफट से जो है फॉर्च्यूनर को इसके ऊपर ले जाकर रोक देता हूँ और फट से जो है जेट पैक को बुला देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जेट पैक को बुला लिया हूँ, और अभी फट से चलते हैं और चेक करते हैं कि इस रैम के ऊपर क्या वो बाइक है या नहीं। तो अभी चलिए फटाफट से जो है मैं इस जेट पैक को ऊपर की ओर लेकर चलता हूँ, और इसका जो फेस है वो हमारे मेगा रैम की ओर कर देते हैं, और यहाँ पर ऊपर जाकर देखते हैं क्या वो बाइक हमें दिखेंगी। ओ फाइनली गाइज, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बाइक जो है रैम के ऊपर रखी गई है, और अभी फटाफट से मैं जो है यहाँ पर आकर लैंड कर देता हूँ और उस बाइक का जो लुक है आप सभी को दिखा देता हूँ कि वो RS बाइक किस तरह से दिखती है। और भाई यहाँ पर आप देख सकते हो येल्लो कलर के अंदर इस बाइक का लुक काफ़ी ज़्यादा कमाल का लग रहा है, और ये न्यू अपडेट के अंदर गाइज अभी हाल ही में ऐड हुई है, तो ये फाइनली हमें जो है मिल चुकी है। अब हम लोग जो है इसे राइड भी कर सकते हैं, और अभी मैं फटाफट से इसे जो है रैम के नीचे उतार लेता हूँ। ये बाइक जो है सेफली अभी लैंड कर चुकी है, और अब हम लोग देखते हैं इसके बाद में हमें जो नेक्स्ट लोकेशन पर जाना है वो लोकेशन कहाँ पर है और हमें जो है कौन सी बाइक अभी मिलने वाली है। तो यार फटाफट से मैं अपने फोन के अंदर वो लोकेशन चेक कर लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो नेक्स्ट बाइक हमें मिली है वो है R15 जो कि अभी न्यू अपडेट में आई है, और इसका लोकेशन गाइज हम लोग देख सकते हैं ये जंगल के अंदर गाइज, जो हमारा डायनासोर है इसके एकदम नज़दीक में है। तो अभी फटाफट से यार हमें जंगल के अंदर जाना होगा और अंदर जाकर इस बाइक को ढूंढना होगा कि ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगी, और मैं जंगल की ओर बढ़ता हूँ। तब तक कि यार आप लोग अगर अभी तक के इस वीडियो को देख रहे होंगे तो यार फटाफट से इस वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे जंगल के अंदर, और मैं जंगल के अंदर आ चुका हूँ और अभी फट से मैं जो है उस स्पाइनोसॉरस को ढूंढता हूँ। और यहाँ पर आप गाइज देख सकते हो राइट में मेरे एक स्पाइनोसॉरस दिख रहा है, और यहाँ पर गाइज ये एक बाइक जो है ये गाइज हमें मिल चुकी है। तो अभी चलिए फटाफट से इसके पास हम चलते हैं और देखते हैं ये कौन सी बाइक है। तो गाइज अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये गाइज वही बाइक है R15 जो कि इस गेम के न्यू अपडेट के अंदर फाइनली ऐड हो चुकी है, और यहाँ पर गाइज इसका आप लुक देख सकते हो भाई कितनी खास ये लग रही है। और फाइनली हमने इस बाइक को भी फाइंड कर दिया है, और अभी मैं आप सभी को इस बाइक को चलाकर भी दिखा देता हूँ गाइज ये कितनी सही चलती है। और इसी के साथ में गाइज वहाँ पर आप देख सकते हो स्पाइनोसॉरस दो आ चुके हैं और उन्होंने भी हमें देख लिया है। तो मुझे अभी फट से इस जंगल के बाहर जाना होगा और हम लोग जंगल के बाहर जाकर नेक्स्ट बाइक की जो है लोकेशन देखेंगे। तो यार फटाफट से मैं यहाँ से बाइक लेकर इन डायनासोर से जो है दूर चला जाता हूँ, नहीं तो ये जो है हमें अभी किल कर देंगे। ओके, तो फाइनली अभी मैं जो है इस जंगल के बाहर आ चुका हूँ, और अभी फाइनली मोबाइल फ़ोन निकालकर नेक्स्ट बाइक का लोकेशन देख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अभी यहाँ पर मोबाइल को जो है ऑन कर दिया हूँ, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो न्यू बाइक है गाइज मुझे ये यामाहा VMAX जैसी दिख रही है, और इसका लोकेशन आप लोग देख सकते हो ये जो है दो बिल्डिंग के बीच में है। तो गाइज ये लोकेशन मुझे शायद से पता है जो कि हमारे न्यू हाउस के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है,
जो बिल्डिंग है वो उसके अंदर हमें जाकर इस बाइक को जो है वहाँ से निकालना होगा। तो यार चलो फटाफट से अब हम लोग चलते हैं और इस बाइक को वहाँ पर जाकर ढूंढते हैं। तो फाइनली अभी मैं न्यू हाउस के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका हूँ और यहाँ से मुझे पता है अभी लेफ्ट लेकर जाना है और आगे से हमें राइट लेकर वो जो दो बिल्डिंग्स है वो दिखेंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो दो बिल्डिंग से ये दिख चुकी है और वो जो राइट वाली बिल्डिंग है गाइस उसके सेंटर में अभी जो है हमें जाकर देखना होगा क्या वो बाइक हमें वहाँ पर मिलती है या नहीं। तो मैं इस बिल्डिंग के नज़दीक जाकर फट से जेट पैक को बुला लेता हूँ और इस बिल्डिंग के बीच में जाकर हम लोग देखते हैं क्या वो बाइक हमें देखने को मिलेंगी या भी नहीं। ओके तो फाइनली अभी मैंने जो है जेट पैक को ले लिया और इसके मदद से अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ और इस बिल्डिंग के सेंटर में जाने के बाद हम लोग चेक करेंगे क्या वो बाइक यहाँ पर है। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो बाइक हमें जो है मिल चुकी है और मैं भी इसके नज़दीक जाकर देख लेता हूँ क्या ये वही बाइक है। तो अभी फाइनली मैं इसके अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज ये वही बाइक है यामाहा वी मैक्स। और अभी आपको मैं इसे जो है चलाकर भी दिखा देता हूँ लेकिन गाइज इसका आप लोग एक बार लुक देखो कितना शानदार लग रहा है। और अभी मैं इसे चलाकर नीचे की ओर लेकर जाने की कोशिश करता हूँ और नीचे जाकर हम लोग देखेंगे ये बाइक कैसी चलती है और इसका लुक भी गाइज काफ़ी ज़्यादा शानदार है और इसकी स्पीड भी गाइज काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी मैं फटाफट से यार इसे जो है नीचे लेकर चलता हूँ और यहाँ से नीचे जंप कराने पर गाइज मुझे ये डर है कहीं इसका एक्सीडेंट ना हो जाए। और फाइनली मैं जंप करा चुका हूँ और फाइनली जो इस बाइक की जो है सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाइस डबल साइलेंसर में कितनी ज़्यादा शानदार लग रही है। और फाइनली अभी मैं जो है अपना मोबाइल फ़ोन निकाल लेता हूँ और फटाफट से हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट लोकेशन कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो न्यू बाइक है गाइस इसके पीछे आप लोगों को कुछ कलर कलर के जो है दीवारें देखने को मिलेंगी। तो ये गाइज ये बिल्डिंग मुझे पता है कहाँ पर है जो कि हमारे हाउस न्यू हाउस के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। तो अभी चलिए यार फटाफट से हम लोग चलते हैं वहाँ पर और देखते हैं क्या ये बाइक हमें देखने को मिलेंगी भी या नहीं। ओके तो अभी यही रास्ते से हमें जो है वो बिल्डिंग देखने को मिलेंगी जिसकी जो वॉल्स है वो अलग अलग कलर की है। तो यहाँ से अभी हमें जो है लेफ्ट ले लेना है और लेफ्ट लेकर अभी हमें सीधा जाना है और यहाँ पर सीधा जाने के बाद एक और लेफ्ट आएगा तो उस लेफ्ट के बाद हमें जो है वो वॉल देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हो मैंने लेफ्ट ले लिया और ये गाइस ये बाइक यहाँ पर रखी हुई है और मैं इसके नज़दीक जाता हूँ और यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हो ये बाइक जो है गाइस डुकाटी डियावेल है और इसको गाइस आप लोग देख सकते हो कितनी काफ़ी शानदार ये बाइक लग रही है। और अभी इसे मैं राइड कर भी आप सभी को दिखा देता हूँ और आप सभी को बता दूँ कि पुराने अपडेट में ये ऐसे नहीं दिखती थी, ये जो है न्यू अपडेट के अंदर इसका मॉडल चेंज कर दिया गया है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमने सारी बाइक जो है वो फाइंड कर ली है और फाइनली अभी मैं इसे राइड भी कर पा रहा हूँ। तो यार अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होंगी तो यार लाइक कर दो और गाइस अगर आप लोगों को कुछ मिथ्स पता है या फिर इस गेम के अंदर और हिडन चीज़ें जो है आपको फाइंड करवानी है तो वो मुझे कमेंट करके बताओ, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर फाइंड करके आप सभी को बता दूंगा। और फाइनली इस वीडियो को लाइक करने के बाद आप सभी को चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को कर देना है ऑल पर सेट। तो बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।